हेलो गाइस, कैसी हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगी। हमारे चैनल पी के एस नीसी सी में आप सभी को स्वागत है। गाइस, आज अपनी बेटी को वैक्सीन दिलाने ले गए थे, क्रेटी को। कितने बजे गए थे? शायद 12 बजे गाइस लेकर गए थे इसको, क्रेटी को वैक्सीन दिलाने। और वहाँ गए, सोचे जाएंगे तो वीडियो बना लेंगे। गाइस, हम वीडियो नहीं बना पाए और हॉस्पिटल में बैठे थे, सोचे चलो थोड़ा बहुत वीडियो बना ले, तो वहाँ तो वीडियो नहीं बनाने का अलाव था। चलिए कोई बात नहीं, सोचे फिर आप लोग से बता देंगे कि हम कृति को वैक्सीन दिलाने ले गए थे। और गाइस, वहाँ ले गए दिलाए तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। गाइस, अभी कृति का 9 मंथ वाला वैक्सीन पड़ा है, अभी ये तो 11 मंथ की हो गई है। क्योंकि उस समय जब 9 मंथ की ये कृति हुई थी, उस समय इसका तबीयत ख़राब चल रहा था, तो डॉक्टर से हम बात किए तो डॉक्टर बोले नहीं, अभी तबीयत इसका अच्छा सही हो जाए तब आप वैक्सीन दिला लीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ 9 मंथ के है तो अभी दिला दे, तबीयत ख़राब है फिर भी नहीं। ऐसा नहीं क्या, किसी को नहीं करना चाहिए, हमको क्या, किसी को भी नहीं, कि बच्चा के समय हो गया तबीयत ख़राब है तो उस समय इसको वैक्सीन लगवा लीजिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर बोले कि नहीं, इसको अभी वैक्सीन मत लगवाइए, क्योंकि इसका अभी उस समय इसको फीवर आ रहा था और वोमिटिंग भी हो रही थी, इसीलिए हम छोड़ दिए उस समय उसको छोड़ दिए। फिर सोचे कि चलो जब सही होगी अच्छे से तभी ठीक थी, तभी सोचे चलो दिला देते, क्योंकि गाइस ये वैक्सीन लगता है तो बच्चों को फीवर ओवर आ जाते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, वैक्सीन के समय बच्चे एकदम स्वस्थ रहे तब आप इसको इंजेक्शन दिला दीजिए। हम बोले चलिए ठीक है, तो फिर अभी हम इसको इंजेक्शन दिला दिए कृति को। वैक्सीन इसका 9 मंथ वाला कंप्लीट हो गया, अब इसको गाइस जब डेढ़ साल की हो जाएगी तब इसको लगेगा। फिर रोएगी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसको लग रहा था, क्योंकि गाइस एक साल दो इंजेक्शन पड़े थे, एक बाह में बहुत रो रही थी। जैसे जब बच्चे ही होते हैं, हम लोग को इंजेक्शन लगता है तो बहुत लगता है बाप रे प्राण निकल रहा है, वैसे लगता है। तो ये तो बच्चे ही हैं, रोते रोते इसका हालत एकदम पंचर। फिर वहाँ से आए तो गाइस थोड़ा बहुत जीने के पास एकदम खेलने लगी, ठीक ठाक हो गई, तो हम सोचे चलो अच्छा है खेल रही है, तो खेल रही थी थोड़ा देर। फिर रूम में लेकर आए तो रोने लगे, फिर दूध उध पिलाएँ थोड़ा सा सर और ऐसे सला दिए, फिर ये सो गई और क्रिस भी खाना वाना खा कर सो गया। गाइस, बच्चों को वैक्सीन दिलाना ही चाहिए, लगवा देना चाहिए, क्योंकि हम क्रिस को भी वैक्सीन लगवाए थे और कृति को भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्रिस को जो हॉस्पिटल में, यहाँ पर हम उत्तराखंड में रहते हैं हरिद्वार, जहाँ क्रिस को लगवाए थे वैक्सीन, वहीं कृति को भी दिला रहे हैं, ले गए थे वहाँ पर लगवाने के लिए। और गाइस काफ़ी दूर नहीं था कि हस्बैंड के साथ जाए, पास ही में था, इसीलिए हम क्रिस, दूर हॉस्पिटल नहीं था, पास ही में था, तो इसीलिए हम क्रिस, कृति, भाभी चारों लोग चले गए थे जाकर दिलाए, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में कुछ काम, भाभी को भी कुछ दिखाना था, तो इसीलिए उनके पैर में खुजली हो रहा था, तो बोली चलो हम भी दिखा लेते हैं। हम बोले चलिए, तो वे भी दिखा ली और मेरा भी काम हो गया, क्रिस का इंजेक्शन भी लगवा दिए, वैक्सीन भी लगवा दिए, और अभी वह सो रही है। अब देखते हैं, तो वे बोले कि शायद इसको फीवर भी आ सकता है, फीवर नहीं भी आ सकता है, देखते हैं। गाइस, जिसको हम मना रहे हैं कि फीवर नहीं आए तो अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो पेरेंट्स को, हम लोग उसको तो बहुत परेशानी होती है, तो बता नहीं सकते हैं कि हमको क्या प्रॉब्लम क्या नहीं। ऐसे तो चलो इंजेक्शन लगाए तो मेरे को पता है कि इसका इंजेक्शन ही दर्द कर रहेगा तो रोएगी, देखते हैं कैसा इसका रहता है वैक्सीन लगवाने का। अभी तो फिलहाल ये सो रही है, जगती है तो क्या करती है, क्योंकि आई थी तो ठीक थी एकदम, अच्छा से खेल उल भी रही थी, दूध उध भी पी रही थी, उस समय क्या तुरंत नहीं इसको पता चला, सो गई है। और क्रिस गाइस हॉस्पिटल में जब थे तो वो बाहर भाग गया था, क्योंकि इसको लग रहा था मम्मी मेरे को भी इंजेक्शन दिलाएंगी, थी अंदर बोल रहे थे क्रिस आओ आओ, नहीं आ रहा था, अपना बाहर ही चुपचाप खड़ा था, एकदम लग ही नहीं रहा था कि वे क्रिस है, क्योंकि डर भी, इसको अंदर से डर भी था कि शायद मम्मी मेरे को भी वैक्सीन ना लगवा दे। तो बोले इसको हम समझाए भी नहीं, बेटा तुमको नहीं लगेगा, तुम जब 5 साल के हो जाओगे तब तुमको लगेगा,
अभी तुम 3 साल के हैं, इसका तो सारा वैक्सीन कंप्लीट हो गए हैं। जब ये 5 साल के हो जाएगा गाइस तब 5 साल पे ही लगेगा। आकृति को तो अभी दिलाए, फिर 1.5 साल की जब हो जाएगी तब फिर ले जाकर दिला देंगे। एक ये सब जरूरी है, ये सब काम अपने टाइम टेबल से कर देना चाहिए। अगर बच्चों को तबीयत खराब है तभी रुकना चाहिए, अगर बच्चे सही हैं तो क्या है वैक्सीन दिलाने में, आज या कल दिलाना ही है, दिला देना चाहिए। बहुत लोग तो सोचते हैं कि अरे ये वे नहीं, वैक्सीन जरूरी है, दिलाना चाहिए। चलिए गाइस, आप लोग से इतना सारा बात कर लिए, चलते हैं कुछ करते हैं, देखते हैं। गाइज आप लोग मेरे वीडियो देखती हैं, लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। हुआ मेरा ये चैनल बनाए हुए बहुत कम लोग आ रहे हैं, मेरे चैनल देख रहे हैं क्यों गाइज? गाइज आप लोग बोल रहे होंगी कि आप तो बोलती हैं कि रोज़ वीडियो डालेंगे, कल तो आप नहीं डालती। हाँ गाइज, कल हम वीडियो नहीं डाले थे, क्योंकि कल वीडियो इसलिए नहीं डाले थे ना कि ताकि मेरे दो बच्चे हैं गाइज परेशान करने लगते, कभी कुछ कर देते। कभी क्रिस गाइज 3 साल के हो गए, 3 साल के हो गए उतना भी समझदार नहीं है ना गाइज, 3 साल के हुआ तो क्या, अभी तो भी बच्चा है ना, बहुत बदमाशी करता है गाइज उसको। मेरे को जितना कृति में परेशानी नहीं होती है ना, अभी उतना ज़्यादा क्रिस में होती है। कृति को खिला दो पिला दो खेलने लगती है, उसको तो हर चीज़ में केयर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसको पढ़ाना पड़ता है। गाइज गाइज जब हम वैक्सीन दिला कर आए थे तब कृति थोड़ा सा जीने के पास मस्ती कर रही थी, उसका पहले वीडियो आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लगा देंगे, हम साइड में आप लोग वीडियो उसका देख लीजिएगा। क्रिस कृति दोनों अपने खेल रहे थे और हम और भाभी थोड़े बहुत बातें वाते कर रहे थे। चलिए देख लीजिए इन लोग का मस्ती वीडियो। ये गुस्सा रही है उन पे। देखिए गाइस कैसे बैठी है, गिर जाओगी कृति। क्या कर रही हो बेटा? ये मोबाइल ले रहा है मेरे से। कृति फोन लेगी क्या? मम्मी से फोन लोगी? फोन लोगी? जी हम बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं। नहीं कुछ और किसी का नहीं बनाएंगे क्या? क्या हो गया कृति? हाँ इसको बस तुरंत लगता है फोन ले ले, फोन ले ले बस। यहाँ देखती है वीडियो, इसको सब समझती है ये सब। मेरे को समझ में आता है, मम्मी हेलो कर दो, हेलो हेलो। क्रिस क्या कर रहा है बेटा? ये देखिए अभी यहाँ आकर बैठ गए। इसको बोलो जल्दी से बारिश हो जाए ना बेटा। कृति
गाइज आप हम अपना वीडियो यहाँ पर इंड करते हैं। चलिए आप सभी को आई होप हमारा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो गाइज फिर से बोल रहे हैं कि लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है गाइज, चलिए अब अपना चैनल यहाँ समाप्त करते हैं। बाय बाय गाइज, अब हम रखते वीडियो गाइज। हेलो गाइज, हम लोग जा रहे हैं अपनी बेटी को इंजेक्शन दिलवाने। नहीं यहाँ।